अगर वो बात तुम बोली ना तो पूरा सरफ लगा के साफ करेंगे। तुम्हारे मुंडी का कट कहाँ से सुया? तो गाइस आप देख सकते हो इधर। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। ड्रेस को भी फिटिंग करवा, मुझे कैमरा पकड़ने के लिए बोला गया अभी वो, इसलिए क्योंकि इसको अपना ड्रेस दिखाना था जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया लग रहा है। रखा हुआ था बहुत दिन से, तो दिखाओ, दिखाते हैं एक सेकंड बैक। अरे इसको फिटिंग विटिंग करवाना पड़ेगा, काहे ऐसे पहन रहा है, बहुत ढीला है। हाँ हाँ हाँ, हो गया मैम मैम मैम, हो गया, निकलिए अब यहाँ से। फिटिंग करवाने के चलते ना खेल रह जाते हैं, कभी वो सब होता ही नहीं। तो गाइस आप देख सकते हो इधर, खाना पीना खा करके पढ़ा लिखा जा रहा है। क्या है, बीएड वाला है दीदी? पजल रीजनिंग बना रही हूँ। और इसका मेहंदी आप देख, मेहंदी दिखाओ दीदी, एक साइड से ही लगाइए पावर। हमको भी लगाना है, पर हमको थोड़ा सा नहीं लगाना, हमको बहुत सारा लगाना है। इसमें अभी लगाऊंगी। इसमें लगाओगे अभी? हमको हमको ना बहुत लगाना है क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं लगाई। और इधर मैं इससे इंस्पायर होके अभी मैं भी पढ़ूंगी क्योंकि अभी मुझे कुछ करना नहीं है, तो 2 घंटे पढ़ लेते हैं उसके बाद वीडियो बनाएंगे। देख सकते हो सुबह सुबह फिर से चिपकाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो गाइस लास्ट ऑप्शन बचा है, हाँ फेविक्विक, हाँ कूट से चिपका के फेविक्विक को, नॉट कूट, वो क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड। हाँ वो सबको पता है कि हम घटिया हैं, ज्यादा इंट्रो बोलने की जरूरत नहीं, इंट्रोड्यूस करवाने की। चलो आगे बोलो। चलो हम कट करे, हम कट करे कट, हाँ तुम्हारे मुंडी का कट। गाइस आप इसको देख सकते हो, अभी जस्ट मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला है इसका पढ़ते हुए, तो लोग समझ रहे होंगे कि पढ़ रही है मेघा पाठक, लेकिन गलत फहमी है, तो अभी हम दूर कर देते हैं। अभी आप देख सकते हो पढ़ते पढ़ते अचानक मेहंदी का भूत जाग जाता है इसके अंदर, और जब तक मेरे घर में मतलब मेरे रूम में मेहंदी रहता है ना, ये लगाएगी ही। लगा दो थोड़ा सा, हमको नहीं लगाना है, पढ़े हुए 1 घंटे हो गए उसके बाद में। हाँ तो अब मेहंदी, कोई बिलीव मत करे कि बहुत झूठ बोलती है। अच्छा मैं बहुत झूठ बोलती हूँ है ना, तुमको भी लगाएंगे, लाइव दिखा रही हूँ लोगों को, समझी? कोई नहीं बिलीव करेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है? अरे पता है अच्छे से लगा देंगे, लगवा लो। नहीं लगवाना है हमको, सबको बोल के रखी है कि हम बहुत अच्छा मेहंदी लगाते हैं। कल गए थे छत पे, भाभी बोल रही थी तुम्हारी बहन बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मैंने बोला है आपको कैसे पता कि बहुत अच्छा लगाती है मेहंदी, तो बोल रही थी वो तो बोली थी हमको आता है, हम बोले झूठ बोली थी बिल्कुल, मतलब वही बहुत घटिया लगाती है। अगर नहीं आता तो थोड़ा सा भी नहीं लगा पाती, ठीक है हम जाएंगे दूसरी जगह लगवाने के लिए। पता है गाइस ये बचपन से आज तक अभी तक मेरे से कभी नहीं लगवाए, नहीं नहीं लगवाए, इस चीज का शौक मुझे लगाया। तुम मम्मी बोलती है मेरे हाथ में सीखो, हाँ मम्मी के हाथ में खूब सीखती थी ये, तो अभी लगाया जा रहा है। माथे पे लगा लो मेहंदी, माथे से लेके पैर तक लगा लो मेहंदी, यही सब बाकी रह गया भगवान। A few moments later. मेहंदी ज्यादा लाल हो जाएगा तो थोड़ा थूक देते हैं। बहुत बेइज्जती करती हो सब। लग रहा है बादल छाए हुए हैं चारों तरफ। और इस बादल में प्ले और यहाँ पे ये मुंडी क्या कर रही है, मेरा धनिया खराब हो गया यार, ठीक कर दे। तुम्हारा चाकरी कर रहे हैं और क्या करेंगे, मेरे जिंदगी में यही बचा है चाकरी करना और नहीं तो क्या। जल्दी चलो उठा के नीचे, कुछ नहीं बारिश हो रहा है यार, बारिश तुमको लग रहा है होगा, नहीं होगी बारिश, होगी ऐसा लग रहा है, पूरा अंधेरा अंधेरा।
और अभी बज रहे हैं दोपहर के दो। इतना धनिया यार कौन लेता है, क्यों ले आती हो घर से? मम्मा दे दी थी। ओ गाइस ये मेरी मेहंदी। बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है बहुत दिन के बाद, मजा आ गया। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, बेसन का वो बन रहा है, मुझे नहीं पता क्या बन रहा है, मुझे भी नहीं पता। और रात में ये मेहंदी लगाई है, 12 बजे रात में एक लड़की से लगवाई है, देख रहे हो आप, सिर्फ ऊपर में अंदर में नहीं। इसका यही सब हरकत जो है हमको अजीब लगता है। प्राची किस चीज का छौका दे रही हैं आप? पता है प्राची, कोई कोई लड़का ना बोलता है क्या कि तुम लोग भर दिन खाने बनाते रहती हो, खाने से तो जिंदगी है ये नहीं चलता। तो उसका सोच गलत है, सच में सोच गलत है, क्योंकि हम लोग खाने टाइम से ब्लॉग स्टार्ट ही करते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग खाना बनाते हैं। एक्चुअली में अभी टाइम दिखा कितना बज रहा है, वही ना 10 बज रहे हैं अभी, 10 नहीं 10:30 बज रहे हैं, अभी टाइम ही है खाना बनाने का। और ये अभी क्या बन रहा है? आलू का सब्जी बनाएंगे नहीं तो खाएंगे? हाँ वही तो, खाने तो जिंदगी है यार, जिंदगी में एक लड़का कोई सब्जी बनाते हुए देख के बहुत लोगों को खुशी होगी। हाँ प्राची को देखिए सब्जी बनाने भी आता है, एक कोई बोल दिया था मैगी सिर्फ बनाती है, उस दिन से प्राची एकदम सीरियस ले ली है। आता है यार सब बनाने आता है, बनाते हैं। इधर देखो नीचे में, यहाँ पे बेसन का सब्जी बनाया जा रहा है, अभी टाइम है बनने में, फिलहाल ये थोड़ा बहुत हो चुका है। अब जा रहे हैं थोड़ा सा बर्तन धोएंगे, हम बर्तन धोने जा रही है, तो कृपया कोई इस लड़की को बिजी ना समझे। मेरे मेहंधी का कलर भी नहीं उतरा और मैं बर्तन हाय 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 दीदी, लेकिन तुम्हारा मेहंदी का कलर उतर जाएगा यार बर्तन धोते धोते, जिंदगी ही बर्बाद है ना दीदी। तो गाइस मेरा रिजल्ट आ चुका है बीएड वाला, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मुझे 85 नंबर आए हैं और मुझे गवर्नमेंट पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। 85 नंबर आया इसको और इसकी आंख में आंसू है कि इतना ही क्यों आया, 90 प्लस आना चाहिए था, क्या ही रखा है पास 10 नंबर से यार। मुझे पता है जो स्टूडेंट होते हैं उसके लिए एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट अब क्या ही कर सकती हूँ यार, हद है, मतलब हालत हो रही है। तो हम लोग ना अभी बाहर जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं इसका ब्लॉग ना कल आएगा, अभी मैं नहीं बताऊँगी, मैं पहले कुछ बता देती हूँ तो बाद में मेरे साथ बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं 4:30-5 के आसपास अभी, और आज 10-10 रुपये में कुछ कुछ लाए खरीद को दिखा दे, दिखा दो। हाँ देखो ना बहुत कुछ लाई है ये, एक सेकेंड रुको। हाँ सुइया भू कह देते कहाँ से सुइया दिया 10 रुपये में, और ये मैं घर के लिए ली हूँ, ये भी घर के लिए, ये मम्मी के लिए पी ने, ये खुद के लिए, और क्योंकि तेल में ज़्यादा खाती हूँ तो उसमें कम लगते हैं, और ताकि फैट भी कम हो सके। अरे यार क्या हो गया, वो छोड़ दिए क्या पापा, जो बाल वो कलर करते हैं वो वाला ब्रश था, डाई वाला ब्रश। हाँ अच्छा कोई बात नहीं, कर ले लो, क्या दिक्कत क्या, यही तीन चीज दिखाने के लिए इतना देर से पागल हो जा रही थी। गाइस आप लोग फैमिली हो और फैमिली से कुछ छुपाना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ एक बात तो बहुत ज्यादा समझदारी वाला की है, चलो चलो इस वीडियो को जल्दी से अपलोड करना है, जल्दी से अपलोड करना, और नेक्स्ट ब्लॉग जो है ना अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं वो हम लोग ना आपको कल बताएंगे, मतलब कल के वीडियो में आ जाएगा, ठीक है ना। ओ गाइस एक बात से हमको हंसी लग गई, लेकिन वो बात मैं बोल नहीं सकती, अगर वो बात तुम बोली ना तो पूरा सरफ लगा के साफ करके सरफ लगा के अच्छे से मुंह में ना ये चीजें घसाट देंगे, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे इस बार एडमिशन करवाना है और कुछ ना कुछ तो करना ही है यार, जिंदगी से परेशान है, तबाह हो गए जिंदगी से, जॉब वॉब नहीं लगता नहीं है, झूठ मूठ का दिमाग खराब हो रहा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।